लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है। इस वीडियो में हम लोग उसका एल्गोरिथम देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या पास किया है फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम में, एक तो कॉस्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमेशा हम कर रहे थे वो कर रहे थे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या कर रहे थे, इनिशियली हम लोगों के पास जो कॉस्ट एरे थी उसको हम कॉपी कर रहे थे किसमें, अपनी मैट्रिक्स में। तो हम लोगों ने दो लूप चलाए, आई और जे, एज 2D एरे है तो हमें वो करना ही पड़ेगा, और कॉस्ट को कॉपी कर लिया ए एरे के अंदर। फिर हम लोगों को हर एक वर्टेक्स के लिए के टाइम्स एन टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा। तो हमने के इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक लूप चलाया, और कहां किसके लिए चलाया, ए ऑफ आई जे। अगर ए ऑफ आई जे हमारा ए ऑफ आई के प्लस ए ऑफ के जे से बड़ा है तो हम लोग छोटी वैल्यू को ए ऑफ आई जे में असाइन कर देंगे, और ये हमेशा हम हर एक वर्टेक्स के लिए कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला लूप जो है हमारा एन क्यूब टाइम्स चलेगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा इस कॉस्ट एरो को अपडेट करना है। ये कॉस्ट एरो जो कि हमारी ए में स्टोर है इसको हम एन वर्टेसेस के लिए चला रहे हैं। जब हम एक बार V1 के लिए चेक करते हैं, फिर V2 के लिए चेक कर रहे हैं, फिर V3 के लिए चेक कर रहे हैं, हर बार हम एक नोड को एज एन इंटरमीडिएट नोड मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसको एन टाइम्स चला रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चलेगा ये एन क्यूब टाइम चलेगा और ये हमारा एन स्क्वायर टाइम चलेगा, और हम देखें तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन क्यूब आ जाएगी। तो फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम की हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाती है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। वहीं अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एडिशनली हम यहाँ पे 2D एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ए ऑफ आई जे। तो अगर हम जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो आ जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम जिसको हमने 3-4 वीडियोज में कंप्लीट किया है। फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम जो है हमारी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए काम आती है, जिसको हम शॉर्ट में APSP भी बोलते हैं। APSP कहीं पे आप देख सकते हैं, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम APSP के नाम से। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्या होती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, हमको ये पता, जहां हम डिस्क्रीट बोल रहा हूँ, डिजिस्ट्रा की बात कर रहे थे या फिर बेलमेनफोर्ड की बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देते हैं लेकिन सोर्स नोड से। यहाँ पे हम लोग हर एक पेयर का, या बोल दो कि हर दो वर्टेसेस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, जिसलिए उसके लिए ही इसका नाम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रखा गया है। जहां तक पहले हम जब डिजिस्ट्रा डिस्कस कर रहे थे, हम वहां पे बात करते सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की, SSSP। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जहां पे हम लोगों ने फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम की बात करी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी, साथ ही साथ ये डिस्कस किया कि कैसे हमारी फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम के साथ साथ ऑल पेयर सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ को रिवाइज करिए, साथ ही में जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया एल्गोरिथम में उसको रिवाइज करिए। थैंक यू।